What's up guys, welcome back to TechStoner channel, and here is a new video on top 10 best Android apps of August 2019. And August month start ho chuka hai aur is month ke bhi humne kafi sare naye interesting aur useful app compile kar liye hai jo ki aapko zarur pasand aane wale hai. So fatafat se video start karte hai. फर्स्ट ऐप हमारे लिस्ट में वो है सैरी लॉन्चर. और सैरी लॉन्चर एक न्यू यूनिक और एक लाइटवेट लॉन्चर है जिसका हनीकॉम स्टाइल पैटर्न हमारी होम स्क्रीन को बहुत ही डिफरेंट लुक देता है कंपेयर करें दूसरे लॉन्चर से. और डेवलपर ने करेंटली से अभी अर्ली एक्सेस में लॉन्च किया है प्ले स्टोर में, तो शायद बग हो सकते हैं, बट मैंने जितना इसे यूज़ किया है तो मुझे ऐसा कोई बग नज़र नहीं आया है. इसका सिंपल यूआई काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है. ऐप ड्रॉवर की बात करें तो आपको सिंपल स्वाइप डाउन करना है होम स्क्रीन पे तो आपका ऐप ड्रॉवर खुल जाएगा. स्मार्ट सर्च बार मिल जाएगा ऐप ड्रॉवर में ही. कस्टमाइजेशन की काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है जिसमें स्टाइल, लेआउट, स्क्रोलिंग, एनिमेशन, गेस्चर्स सब चेंज कर सकते हैं हम. नेक्स्ट ऐप है यूनिक वॉलपेपर. और आई थिंक ये वॉलपेपर ऐप भी मेरी फेवरेट ऐप्स की लिस्ट में ऐड होने वाला है क्योंकि इस वॉलपेपर ऐप में भी हमें काफ़ी ब्यूटीफुल वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जो कि हमारी होम स्क्रीन को एक अमेजिंग लुक देते हैं. और इसका वेल डिजाइन यूआई जिसमें एक क्लटर फ्री एक्सपीरियंस मिलता है हमें. इसमें भी हमें काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाती है वॉलपेपर्स की, टॉप रेटेड सेक्शंस मिल जाते हैं और सारे वॉलपेपर हमारी फ़ोन की स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं. एंड ये ऐप भी प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऐप है गूगल का साउंड एम्पलीफायर. और साउंड एम्पलीफायर का सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको स्पीच सुननी है सामने वाले की वो क्या बोल रहा है बट आजू बाजू काफी नॉइस है, आप सुन नहीं पा रहे उसे अच्छे से, तो साउंड एम्पलीफायर ऐप रियल टाइम में उस बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव कर देता है ताकि आप क्लियरली वो स्पीच सुन सके वो क्या बोल रहा है. और इसे यूज करने के लिए आपको वायर्ड हेडफोन लगाना पड़ेगा फोन में तभी ये वर्क करता है. और मैंने इसे यूज करके भी देखा है नॉइसी एरिया में एंड काफी हद तक ये अच्छे से वर्क कर रहा था. नेक्स्ट ऐप है फेस पॉज. और फेस पॉज ऐप आपकी स्क्रीन पॉज कर देगा जब भी आप अपने फोन की तरफ नहीं देख रहे होते हैं, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं अपने फोन में या गेम खेल रहे हैं एंड अचानक से आप कहीं और देखने लगते हैं अपने फोन के अलावा, तो ये ऐप डिटेक्ट कर लेता है और इंस्टेंटली वीडियो या गेम पॉज कर देता है वही. एंड वापस से जब आप अपने फोन की तरफ देखते हैं तो रिज्यूम कर देता है वही से वीडियो या गेम. काफी बढ़िया फीचर है जो कि, और इसके फेस डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी भी काफी हद तक एक्यूरेटली वर्क करती है. इसमें आपको कुछ सेटिंग्स भी मिल जाती है जैसे पॉज की स्क्रीन ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो, फेस डिटेक्शन फ्रीक्वेंसी. एंड ऑल्सो ये ऐप भी प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्री है. नेक्स्ट ऐप है GSM अरीना. तुम लोगों ने GSM अरीना वेबसाइट का नाम तो सुना ही होगा. ये एक टेक न्यूज वेबसाइट है जिसमें आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन, टैबलेट, कई तरह के वेरिएबल्स के रिव्यूज, कौन सा स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है उनके रिव्यूज, कोई भी मोबाइल की फुल स्पेसिफिकेशन और भी कई तरह की टेक रिलेटेड न्यूज, ये सब आपको इस वेबसाइट में मिल जाती है. एंड नाउ फाइनली उन लोगों ने अपना ऑफिशियली ऐप लॉन्च कर दिया है प्ले स्टोर में जिसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट होगी. अगर आप भी ऐसा कोई टेक न्यूज रिलेटेड ऐप ढूंढ रहे हो तो GSM अरीना भी बेस्ट ऑप्शन है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट ऐप है गूगल फैमिली लिंक. अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों के फोन में निगरानी रखना चाहते हैं और या उनके फोन में कुछ डिजिटल ग्राउंड रूल सेट करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि वो पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे ही फोन चलाए, उसके बाद फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, लाइव लोकेशन देख सको उनकी, उनका फोन लॉक या अनलॉक कर सकते हो अपने फोन से ही, बेड टाइम सेट कर सकते हो कि मतलब कि रोज रात को 9 बजे आपके बच्चों का फोन लॉक हो जाए ऑटोमेटिकली और सुबह 6 बजे ही अनलॉक हो, ये सब आप अपने गूगल फैमिली लिंक ऐप से कर सकते हैं. बस आपको गूगल फैमिली लिंक ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करना है और दूसरा गूगल फैमिली लिंक फॉर चाइल्ड आपके बच्चों के फोन में इंस्टॉल करना है बस, फिर आप अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं अपने फोन से ही. नेक्स्ट ऐप है हमारे लिस्ट में वो है मिमिकर. और मिमिकर एक मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप है, मतलब कि आप अपने फोन की स्क्रीन किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और फिर जो जो आप अपने फोन में करेंगे वो सब उसे भी दिखेगा रियल टाइम में. एंड इसे सेटअप करने के लिए हमें मिमिकर ऐप इंस्टॉल करना है दोनों फोन में जिसके साथ आपको स्क्रीन शेयर करना है एंड देन साइन अप करना है दोनों फोन में. उसके बाद आपको सिंपली अपने मिमिकर ऐप से कॉल करना है उसे एंड दैट्स इट, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी उसके साथ. और हाँ, वो सिर्फ देख सकता है, हमारी स्क्रीन पर कंट्रोल नहीं कर सकता सामने वाला.
नेक्स्ट ऐप है गैलरी गो। तो रिसेंटली गूगल ने अपना गैलरी गो ऐप प्ले स्टोर में इंट्रोड्यूस करा है, जो कि काफी लाइट वेट फास्ट स्मार्ट फोटो एंड वीडियो गैलरी ऐप है, जो कि पूरी तरीके से ऑफलाइन वर्क करता है और ये मशीन लर्निंग का यूज करके फोटोज ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करके रखता है, जैसे सेल्फी वाली फोटो एक ग्रुप में, नेचर वाली फोटो एक ग्रुप में, एंड इसमें आपको ऑटो एनहांस और कुछ फिल्टर्स भी मिल जाते हैं फोटो एडिटिंग के लिए। और ये ऐप सिर्फ 10 MB का है और गैलरी गो एक लाइट वेट वर्जन है उसके ओरिजिनल फोटो गैलरी ऐप का। नेक्स्ट ऐप है स्पीकर क्लीनर। अगर आपके फोन के स्पीकर में थोड़ा बहुत पानी चला गया और हम कुछ भी प्ले कर रहे हैं अपने फोन में तो अजीब सी आवाज सी आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पानी स्पीकर के अंदर रह गया होगा, तो इस चीज का सॉल्यूशन निकालते हुए हम स्पीकर क्लीनर ऐप यूज करेंगे। ये ऐप साइन वेव साउंड और अलग अलग प्री डिफाइंड फ्रिक्वेंसी पे साउंड प्ले करता है, जिससे कि स्पीकर वाइब्रेट होता है और बचा हुआ पानी निकल जाता है। और इस ऐप का सक्सेस रेट 80% से भी ज्यादा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट IAF। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपना ऑफिशियली गेम लॉन्च कर दिया है प्ले स्टोर में, और आई थिंक इंडियन एयरफोर्स का मोटिव ही यही है कि जो आज का यूथ है वो एक्सपीरियंस करे इस गेम को खेल के कि एयर कॉम्बैट होती कैसी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक विंग कमांडर पे। और मैंने इस गेम को काफी खेल के देखा है, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। इसमें आपको प्रैक्टिस मोड मिल जाते हैं, सिंगल प्लेयर में काफी सारे मिशंस मिल जाते हैं, एंड मल्टीप्लेयर ऑप्शन इसमें कमिंग सून लिखा आ रहा है, मतलब कि मल्टीप्लेयर भी हम इसमें खेल सकते हैं बहुत जल्दी। काफी बढ़िया गेम है, एक बार जरूर ट्राई करना। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉय अवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक अवर वीडियो सो प्लीज स्मैश द लाइक बटन, एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल फॉर मोर ऑसम कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।